नमस्ते बच्चों, कक्षा पांचवी, विषय हिंदी, सुलभ भारती, पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास विस्तार से किया है। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न एवं उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दरबार, उम्मीदवार, कर्मवीर, सेवामुक्त, कीचड़, यह शब्द हमें चुनकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न क्रमांक 1, जगतराम ने राजा से स्वयं को करने की विनती की। रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में सेवा मुक्त यह शब्द आएगा। जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। प्रश्न दूसरा, वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे में फंस गया था। अब यह रिक्त स्थान हमें भरना है। ऊपर दिए गए शब्द में से कीचड़ यह शब्द हमने चुना। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। तीसरा प्रश्न है, भागते दौड़ते कर्मवीर पहुंचा। भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा, यह रिक्त स्थान है। प्रश्न क्रमांक 4, सारे कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे, यह इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5, आज से राज्य के नए मंत्री होंगे। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, यह इसका रिक्त स्थान है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, मंत्री जगत राम ने राजा से क्या विनती की। उत्तर है, मंत्री जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। प्रश्न क्रमांक 2, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे। इसका उत्तर है, राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था। इसका उत्तर है, बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। चौथा प्रश्न है, कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया। इसका उत्तर है, कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। प्रश्न 5, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा। उत्तर है, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। प्रश्न क्रमांक 4, योग्य चुनाव कहानी से क्या सीख मिलती है। उत्तर है,
योग्य चुनाव कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। यह इसका उत्तर है। तो चलो बच्चों, यह सब प्रश्न एवं उत्तर लिखिए, पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।